दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। अरनपुर इलाके में हुए एक बड़े ब्लास्ट में 11 जवानों के शहीद होने की खबर है। एसपी ने इस घटना की पुष्टि की है। नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी को उड़ा दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त जवानों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। जानकारी के अनुसार 10 जवान गाड़ी पर सवार थे। ये सभी डीआरजी के जवान थे। इनके अलावा एक गाड़ी का ड्राइवर भी था। इस घटना में अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ जंग अंतिम दौर में है। उनकी किसी भी करतूत को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। अरनपुर इलाके में हुए बड़े ब्लास्ट में 11 जवानों के शहीद होने की खबर है। एसपी ने इस घटना की पुष्टि की है। नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी को उड़ा दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त जवानों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। जानकारी के अनुसार 10 जवान गाड़ी पर सवार थे। ये सभी डीआरजी के जवान थे। इनके अलावा एक गाड़ी का ड्राइवर भी था। इस घटना में अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ जंग अंतिम दौर में है। उनकी किसी भी करतूत को बख्शा नहीं जाएगा। नक्सलियों ने पिकअप वैन उड़ा दिया, 11 जवान शहीद होने की खबर आ रही। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त